और प्रतिमा देखी खंडित है, तो हमने वहाँ पर ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को और ज्ञापन के माध्यम से हमने अपने अपनी मांग रखी, लेकिन आज 5 दिन के बाद भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। हमारी मांग ये थी कि खंडित प्रतिमा को तत्काल वहाँ से हटाकर प्रशासन अपनी तरफ से मूर्ति रखे। जब प्रशासन ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया तो आज हम अपनी तरफ से मूर्ति रखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है क्षेत्रीय नेताओं की साजिश के तहत हम लोगों को यहाँ मंडावर चेक पोस्ट पर रोक लिया गया है। हमारे साथ में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जिनका जो पूरे साथियों के साथ में यहाँ पर पहुंचे और यहाँ हमें चेक पोस्ट पर रोक लिया गया है। अभी वार्ता चल रही है आला अधिकारियों से, जैसे ही कोई निर्णय आता है आप लोगों को बता दिया जाएगा, लेकिन मूर्ति स्थापित करने के लिए हम आज ही जाएंगे। जय भीम। क्या भी करते मेरे जनता, अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपने जिला नहीं चला सकते जनाब, ये आप ईमानदार इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। आगे मेरे जनपद के रहने वाले हम नहीं चाहते जिले में कुछ ऐसा हो कि आप लोग जो है फिर जनता को करते मेरे जनता, अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपने जिला नहीं चला सकते जनाब, ये आप ईमानदार इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, नहीं चला सकते ना। गलत टिप्पणी है, बिल्कुल गलत टिप्पणी है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं साथियों की, गलत टिप्पणी नहीं है। रूप से अपमान हो रहा है, क्यों वो खंडित क्यों रखी हुई है? प्रतिमा के स्थापन की एक वैध प्रक्रिया है, वैध प्रक्रिया के उपरांत वो प्रक्रिया, अगर वो गलत है मान तो हटा दो ना, क्यों रखवा रखी है उसे, हटा दो अगर वो गलत है तो भाई ये बताइए ना मुझे। जो भी निर्णय होना है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, अगर वो आप मेरी बात सुन, आपका किशोर सिंह जी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वो गलत है तो उसे हटा दीजिए, क्यों रखी हुई है मैं भी तो कह रहा हूँ। अगर वो खंडित है आप नहीं रख पा रहे प्रक्रिया के अनुरूप तो उसको हटा दीजिए, आप मान क्यों कर रहे हैं खंडित रख के भाई। सीधी सी बात है, यही मेरी बात है आपसे और कोई दो राय नहीं। एक चीज जान लीजिए, ना तो अपमान करने का कोई उद्देश्य है और ना कोई ऐसी कोई भावना। निवेदन किया तो आप अपने जिला नहीं चला सकते जनाब, ये आप ईमानदार इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, नहीं चला सकते ना। आगे मेरे जनपद के रहने वाले हम नहीं चाहते जिले में कुछ ऐसा हो कि आप लोग जो है फिर जनता को करते मेरे जनता, अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपने जिला नहीं चला सकते जनाब, ये आप ईमानदार इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, नहीं चला सकते ना। गलत टिप्पणी है, बिल्कुल गलत टिप्पणी है। आप हमारा अपमान कर रहे हो साथ, गलत टिप्पणी नहीं है, रूप से अपमान हो रहा है, क्यों वो खंडित किया जा रहा है, रखी हुई है वहाँ। प्रतिमा के स्थापन की एक वैध प्रक्रिया है, प्रक्रिया के उपरांत वो प्रक्रिया, अगर वो गलत है माने तो हटा दो ना, क्यों रखवा रखी है उसे, हटा दो अगर वो गलत है तो भाई ये बताइए ना मुझे। जो भी निर्णय होना है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, अगर वो आप मेरी बात सुन, आपका किशोर सिंह जी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वो गलत है तो उसे हटा दीजिए, क्यों रखी हुई है मैं भी तो कह रहा हूँ। अगर वो खंडित है आप नहीं रख पा रहे प्रक्रिया के अनुरूप तो उसको हटा दीजिए, आप मान क्यों कर रहे हैं खंडित रख के भाई। सीधी सी बात है, यही मेरी बात है आपसे और कोई दो राय। एक चीज जान लीजिए, ना तो अपमान करने का कोई उद्देश्य है और ना कोई ऐसी कोई भावना। सार्वजनिक रूप से पूरे समाज का अपमान है, पूरे दुनिया में संत रविदास जी महाराज के जो 30 करोड़ फॉलोवर्स हैं वो इस बात से काफ़ी नाराज हैं। हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रशासन से ज्ञापन देके निवेदन कर रहे थे, मगर मुझे लगता है कि प्रशासन को क्षेत्रीय नेताओं के दबाव में, सरकार के दबाव में हमारी बात सुनाई नहीं दे रही, तो उसका संज्ञान नहीं लिया गया। मुझे लगता है कि
अगर सरकार ऐसे नहीं मानती है तो फिर समाज अपने आप जो है अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है, समाज यहाँ कमजोर नहीं, और अगर इस तरह से अपमान किया जाएगा तो ये बता सकते हैं।